हम जो आपको 50 गज का प्लॉट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में आपको दे रहे हैं सर। 1 लाख में 50 गज का प्लॉट, जी और मैम वो भी इसी लोकेशन पे। इस लोकेशन पे हमने ये ऑफर में निकाल रखा है सर, इतनी बेस्ट लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में हम आपको 50 गज का प्लॉट दे रहे हैं। अगर आप सभी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं दिल्ली एनसीआर के पास में प्रॉपर्टी, तो हम एक ऐसी कंपनी में आ चुके हैं जहाँ प्रॉपर्टी बहुत ही बेस्ट मिलता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में तान्या मैम। और मैम क्या हाल चाल है जी आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तान्या चटर्जी, अपना घर रियल एस्टेट से। तो मैम सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो कंपनी है ये किस लोकेशन में जो है एस्टेब्लिश है, कहाँ पे आपका ऑफिस है ये? हमारा जो ऑफिस है ये है बाटा मेट्रो स्टेशन के पास, नीलम मजरौंदा चौक के यहाँ पे, दशमेश प्लाजा में, सेकंड फ्लोर, 201 ऑफिस नंबर है। तो मैम आज के जो हमारे प्रोजेक्ट रहने वाला, आज के जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाला है प्लॉट, वो किस जगह होने वाली है हमारी और क्या लोकेशन है? हम जो आज आपको ऑफर देने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार ऑफर आपके लिए लेके आए हैं होली के बाद के। तो हम जो आपको अभी ऑफर दे रहे हैं इसका जो प्राइस है वो बहुत सस्ता प्राइस आपको मिलेगा, जो कि हम आपको रास्ते में चलते चलते बताएंगे, आपको लोकेशन भी बताएंगे, सारी फैसिलिटीज भी बताएंगे। मतलब कि लोकेशन भी काफी प्रीमियम होने वाला है। जी सर। तो दोस्तों चलते हैं, और प्राइस के लिए दोस्तों वेट करना क्योंकि प्राइस मैम ने जैसा कहा बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का क्या कुछ होने वाला है? हम लोग आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पास म्यूटेशन की फाइल, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्री वगैरह सारी मिल जाएंगी। ये देखिए म्यूटेशन की फाइल पड़ी है मेरे पास, और अगर हम रजिस्ट्री की बात करते हैं तो ये देखिए रजिस्ट्री की फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी। ओके, मतलब सारा डॉक्यूमेंट होने वाला है, मतलब कोई भी अगर हमारे दोस्त भाई बंधु आते तो पहले डॉक्यूमेंट आप देख के चेक करवाने के बाद ही आप उसे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करें। चेक करिए, अपनी तसल्ली करिए, उसके बाद अपना। तो दोस्तों इस टाइम हम लोग खड़े हैं मुंबई एक्सप्रेस पे, आप लोग देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है। अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, बहुत अच्छी आगरा की तरफ जा रही है। अगर आप राइट में देखेंगे तो कुंडली की तरफ ये रोड जाती है, अगर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो हरिद्वार गाजियाबाद की तरफ ये रोड जाती है। हम लोग इस टाइम बेस्ट कनेक्टिविटी पे खड़े हैं और हम आपके बिल्कुल साइट के सामने है, ये कनेक्टिविटी है। तो मैम इस कनेक्टिविटी, जैसा आपने कहा कनेक्टिविटी, हमारे साइट से कितनी दूरी पे होने वाली है? पास में हमारी कनेक्टिविटी के मुंडकड़ी बस स्टैंड पे ये रोड आगे हमारी साइट की तरफ। मतलब यहाँ से जेवर की तरफ भी जा सकते हैं मैम? जेवर एयरपोर्ट की तरफ भी आप जा सकते हैं सर। अगर आप फिर पीछे देखते हो तो यहाँ पे अमन हॉस्पिटल है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो आप यहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। ओके, तो मैम यहाँ से हमारी साइट एक्यूरेटली कितना दूर होने वाला है? हमारी साइट बिल्कुल इसी जगह से बिल्कुल पास में है, मतलब ये रास्ता सीधा हमारे साइट पे चला जाएगा। तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख सकते हो पीछे साइड हम खड़े हैं एक रेलवे स्टेशन पे, जानते हैं इसके बारे में। तो मैम ये जो है हम जिस जगह खड़े हैं ये कौन सा लोकेशन है? सर इस टाइम हम लोग खड़े हैं सुलाखा रेलवे स्टेशन पे, हमारी जो साइट है बिल्कुल इसी लोकेशन से लगती हुई साइट है, कम से कम 200 से 300 मीटर के अंदर हम आपको साइट दे रहे हैं। मतलब स्टेशन से 200 से 300 मीटर के रेंज में हमारी साइट होने वाली है। तो मैम बात करते हैं जो स्टेशन है यहाँ से अगर जाना हो किसी को दिल्ली के साइड, तो इधर से क्या दिल्ली की साइड जाते हैं किधर? यहाँ पे आपको सर अगर आप दिल्ली गाजियाबाद या कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको लोकल ट्रेन की जो फैसिलिटीज है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी कहीं से भी आप आते हैं तो यहाँ पे ट्रेन रुकती है, आप यहाँ से आराम से हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से जो है हम दिल्ली भी जा सकते हैं, आगरा मथुरा भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो लोकल ट्रेन की सुविधाएं हैं, मतलब कोई व्यक्ति आराम से अगर कोई दिल्ली जॉब कर रहा है तो यहाँ से आ जा सकता है। जी सर। ओके, तो दोस्तों देखो इस स्टेशन पे जो आपको जो है लोकल की सुविधाएं मिल जाती है, तो अभी चलते हैं साइड पे और साइड पे देखते हैं दोस्तों वहाँ पे जो है क्या साइजेस रहेंगी, क्या प्लॉट होगा और क्या कुछ ऑफर रहने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो में बिना स्किप किए बने रहना है दोस्तों, क्योंकि ऑफर अभी बाकी है। तो दोस्तों फाइनली जो हम साइड पे पहुंच चुके हैं मैम के साथ, तो हमारे साथ जो है तान्या मैम है। तो हेलो मैम, कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तान्या मैम सबसे पहले जो साइड है इसके बारे में बताइए कि ये जो हमारी साइड है यहाँ पे ये किस लोकेशन में है? जो हमारी साइट है सर बिल्कुल सुलाखा रेलवे स्टेशन के पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ जी। स्टेशन से बिल्कुल 200 से 300 मीटर की रेंज में हमारी साइट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बसावट के बीच में हम आपको साइट दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं।
ओके, मतलब कि जैसा कि मैम आपने बताया ये जो है रेलवे स्टेशन से टच में है हमारी साइट। और दोस्तों अगर कोई भी साइट आप रेलवे स्टेशन के पास में लेते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको यही सुविधा की कनेक्टिविटी जो है काफ़ी आपको बेहतरीन मिल जाता है साइट के पास, जिससे कि आने जाने की सुविधाएं आपको एज अ फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन रहता है। और वैसे भी रेलवे का जो है किराया सबसे कम होता है, तब बहुत इजीली ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैम अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे आसपास की जो सुविधाएं की। अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो नियर बाय जो सबसे पास में मार्केट है कौन सा मार्केट होने वाला है? बिल्कुल होडल की मार्केट बिल्कुल पास में पड़ेगी, पलवल की मार्केट आपको बिल्कुल पास में पड़ेगी सर। अगर आप डेली का सामान लेना चाहते हैं यहाँ सामने ही बिल्कुल दुकानें हैं काफी सारी, जहाँ पे आप डेली की जो आपकी बेसिक नीड्स हाँ होती है वो सारी आप फुलफिल कर सकते हो, मतलब रोजमर्रा की चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई बड़ा सामान लेना हो, कुछ खास लेना हो तो हमें होडल जाना पड़ेगा। तो होडल की दूरी यहाँ से कितनी होगी? मैम बिल्कुल पास में ही होडल की मार्केट है, मतलब सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ। ओके, तो मैम अब बात करते हैं जैसा आपने कहा मार्केट के बारे में, अगर आप बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति रहता है ना तो अपनी सारी सुविधाओं से पहले देखता है आसपास में मेडिकल की सुविधा, तो यहाँ पे क्या मेडिकल की सुविधाएं भी अवेलेबल है आसपास में? मेडिकल की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे मुंडकटी बस स्टैंड है जहाँ से आप बस के जो कनेक्टिविटी है वो कवर अप कर सकते हैं। उसी के पास में हमारी जो एक अमन हॉस्पिटल है जहाँ से आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अपने कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी बहुत सारी दुकानें हैं, मेडिकल शॉप्स भी बिल्कुल आपको मिल जाएगी जहाँ से आप वैसे जो नॉर्मल मेडिसिन होती है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैम ने बताया सारी आपको डिटेल दे रही है एक एक करके, तो अब जो है मैम अब बात करते हैं यहाँ पे आसपास एजुकेशन की जी। क्योंकि व्यक्ति जहाँ भी रहता है तो उनके साथ बच्चे जो होते हैं उनको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो अपने जो साइड के पास जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे आसपास में स्कूल कॉलेज का भी सुविधाएं है क्या? जी सर, अगर हम स्कूल की बात करते हैं सर हाँ यहाँ पे तो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स है, अगर आप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट स्कूल की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम हायर क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है, जैसे कि रास्ते में भी मैंने आपको बताया था DPS कॉलेज है, एडवांस कॉलेज है, सत्या कॉलेज है, काफी सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप अपना जो क्वालिफिकेशन है इन फ्यूचर वो भी कम्प्लीट कर सकते हो सर। ओके, मतलब कि एजुकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई भी हमारे दोस्त यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी आपके यहाँ आकर के लेता है तो। हाँ, तो मैम बात करते हैं जैसा आपने सारी चीजें बताया आसपास की जो डेवलपमेंट के बारे में बताया, अब जान लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है रोजगार। कोई व्यक्ति जाता है तो देखता है कि आसपास में कमाने के लिए कोई इंडस्ट्री है या नहीं, तो आसपास इंडस्ट्री के बारे में आप बताइए। यहाँ पे आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे आते टाइम आपको दिखाया था हाँ JBN इंडस्ट्री है जहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बसेस बनती है जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इन फ्यूचर और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, तो रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं तो लोगों ने फार्म हाउस बना रखे हैं अपना जो रोजगार है वो करने के लिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना फार्म हाउस बना रखा है, लोग बाग अपने भी व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, अपने जो है रोजगार अगर डालना हो तो दोस्तों एक सबसे खास बात क्या होती है, कहीं भी इंडस्ट्री वहां होती है जहाँ पे सस्ते जमीन मैन पावर, तो दोस्तों इस लोकेशन पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए लोग बागों ने इतने बड़े बड़े प्लॉटें ले रखी हैं यहाँ पे रह रहे। तो मैम अब बात करते हैं जैसा कि आपने सारी चीज़ें बताया क्लियरली, सारी चीज़ें जो है मेरा कन्फर्म हुआ, लेकिन अब बात कर लेते हैं अपनी साइड की सुविधाओं के बारे में कि आपकी जो साइड है यहाँ पे मैम रोडों का जो है जो सड़कें आप कितनी चौड़ी दे रहे हो आप यहाँ सर? 18 फीट की जो आपकी सड़क है वो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हमने आपको पक्की सड़क बना के दे रखी है। ओके, उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी की आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी, कैमरा लगे हुए हैं आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके अलावा अगर आप पानी की बात करते हैं देखिए यहाँ पे पानी का टैंक लगा हुआ है, पाइपलाइंस लगी हुई है, तो वाटर रिलेटेड इश्यूज भी आपको नहीं आएगा। अब बात कर लेते बिजली और पानी की व्यवस्था साइड पे आपकी क्या कुछ होने वाली है? सर इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। अब पानी की बात करें तो पानी की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं टंकीज लगी हुई है, वाटर पाइप्स लगी हुई है, तो बिजली और पानी की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल मीठा पानी आपको मिलेगा। ओके, तो दोस्तों देखो पीछे की साइड अगर मैं दिखाऊं तो दोस्तों देखो यहाँ पे मीटर लगा हुआ है यहाँ पे लोगों का, ऊपर की साइड देखो टंकी लगी हुई है दोस्तों, जिससे कि लोग बाग जो है टूटी का पानी यूज कर पा रहे हैं, मतलब पानी और बिजली का भी व्यवस्था यहाँ पे दोस्तों बढ़िया होने वाली है। अब बात करते हैं मैम जैसा कि आपने दोस्तों को हमारे बताया कि हमारे साइड पे प्लॉट की साइजेस क्या है, यहाँ पे अगर मान लेते कोई भी आता है तो क्या साइज आप दे रहे हैं सबसे छोटा साइज आपके? हमारा जो प्लॉट है सर वो 50 गज से शुरू होता है। ओके, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके मैम, मतलब 50 गज से स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ पे प्लॉट और उससे आगे जो है सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो मैम बात करते हैं अब प्राइस की, जैसा कि आपने बताया सारी चीजें
तो अपने साइड पे जो है प्राइस क्या होने वाली है? सर हम जो आपको 50 गज का प्लॉट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में आपको दे रहे हैं सर। 1 लाख में 50 गज का प्लॉट, और मैम वो भी इसी लोकेशन पे? इस लोकेशन पे हमने ये ऑफर में निकाल रखा है सर, इतनी बेस्ट लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में हम आपको 50 गज का प्लॉट दे रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, मतलब कि 1 लाख रुपए दो और 50 गज का प्लॉट लो जी। तो मैम रजिस्ट्री साथ ही साथ कर दोगे? सर रजिस्ट्री हाँ साथ में कर देते हैं, लेकिन 1-2 दिन का टाइम लगता है। 1-2 दिन के अंदर मतलब हो जाएगी चीजें। तो अगर किसी भी दोस्त को हमारे आपके यहाँ प्रॉपर्टी लेना हो तो मैम कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है आपके यहाँ, मतलब कैसे आएंगे, साइट विजिट चार्ज क्या है आपके यहाँ, सारी चीज बताइए। सर साइट विजिट की कोई चार्ज नहीं होता, आप हमारे ऑफिस आइए, हमने एक स्पेशल ऑफर और निकाल रखा है, जो आप ऑफिस आओगे तो हम आपको बताएंगे, या अगर हम हमारे नंबर पे कॉल करोगे तो हम आपको अब बताएंगे। मतलब फिर भी एक ऑफर है 1 लाख के बावजूद भी? जी सर। क्या बात है दोस्तों, तो दोस्तों अगर स्पेशल ऑफर जानना है तो मैम से कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर सामने दिया गया। अगर आप इनके ऑफिस पे आना चाहते हैं सारी डिटेल दोस्तों आके चेक करें, और उसके बाद दोस्तों साइड पे आ सकते हो। तो मैम एक बार दोबारा से हमारे दोस्तों को अपने ऑफिस की जो है डिटेल बता दीजिए। हमारा जो ऑफिस है सर वो है नीलम अजरौंदा चौक के पास दशमेश प्लाजा पे, 2nd फ्लोर 201 ऑफिस नंबर है, अपना घर रियल एस्टेट के नाम से। तो सर अगर आप हमारे ऑफिस आते हो साइट पे, हम आपको लेके जाएंगे, आपको साइट विजिट करवाएंगे, साइट विजिट की कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि सर हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती है, इनकेस अगर कोई कॉल छूट जाती है, हम बाई चांस नहीं उठा पाते, नहीं पिक हो पाती है, तो उसके लिए आप कंप्लेंस करने की बजाय एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे उसका। लेकिन ऐसे आप नेगेटिव कमेंट्स करके उसको मत बोलिए, क्योंकि हम लोगों पास इतनी कॉल्स आती है कि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है सबकी कॉल एक एक करके पिक करना। 10 से 6 बजे का टाइम है, 10 से 6 बजे के अंदर आप कॉल करिए, अगर उसके बाद आप फ्री होते हैं तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। क्या बात है दोस्तों, तो मैम ने जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो दोस्तों आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, तो आप दोस्तों उसका फायदा उठाए और यहाँ पे आकर के दोस्तों कॉल आप जो ड्रॉप कर दे मैसेज, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आकर के विजिट करें। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए नोएडा, गुड़गांव, मतलब दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहता है। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो में मिलते हैं, जब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।